So hello everyone and welcome to Wise IAS, your true companion in UPSC preparations. Today we are going to discuss a very important topic in the Indian polity, that is about the judiciary. Yes, today we are going to discuss the judiciary topic, and in the judiciary we are going to start with the Supreme Court first. We are starting from the Supreme Court, the topmost court or the apex court. Yes. Supreme Court is the apex court. There is no other court which is supreme to the Supreme Court. You can say Supreme Court is the father and mother of all the courts in India. So, let us begin. Under the Indian Constitution, the Supreme Court has been given vast powers. बहुत सारी powers Supreme Court के ऊपर दी गई, सुप्रीम कोर्ट को दी गई, हाई कोर्ट्स को दी गई, पर सुप्रीम कोर्ट को इन सबका माता और पिता बनाया गया। हमारे इंडिया में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो है एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी का। इंटीग्रेटेड जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक देयर इज अ लिंक, देयर इज अ हायरार्की। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हेड एंड हाई कोर्ट्स आर बिलो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स और यू कैन से द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट को हम ऊपर इसलिए कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग जनरल सुपरिटेंडेंस ओवर द हाई कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स हैव द जनरल सुपरिटेंडेंस ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। यानी कि अगर किसी इंसान को कोर्ट में जाना है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा पाएगा? देयर इज अ हायरार्की। सो एक इंसान को अगर कोर्ट को अप्रोच करना है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सबसे पहले अप्रोच करना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट को और फिर सुप्रीम कोर्ट को। सो इन दिस हायरार्की फ्रॉम लोअर कोर्ट टू अ हायर कोर्ट उसको इस तरीके से मूव करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड द हाई कोर्ट बिलो इट। Below the High Court, there is a hierarchy of subordinate courts. There is a single system of courts adopted from the Government of India Act 1935, which enforces both the central as well as the state legislations. Yes, तो हमारा Supreme Court और High Court ये जो courts हैं, ये central as well as state legislations दोनों को ही enforce कराते हैं। ये नहीं कि Supreme Court central government का है और हाई कोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के। हाई कोर्ट हर एक स्टेट के लिए होता है और कई स्टेट्स का, कई दो स्टेट्स का एक हाई कोर्ट भी होता है। फॉर एग्जांपल योर स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दे आर हैविंग अ कॉमन हाई कोर्ट। सो लाइकवाइज हर एक स्टेट के लिए हाई कोर्ट तो है ही, तो पूरे इंडिया के लिए एक सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लॉज को ही एनफोर्स करेगा या स्टेट के लॉज को भी एनफोर्स करेगा? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के दोनों स्टेट एज वेल एज सेंट्रल एक्ट्स को इन्फोर्स करेंगे। आज के इस टॉपिक के लिए हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 124 से लेकर 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पास एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू रेगुलेट देम because these articles are the part of constitution. So parliament can amend the constitution. Parliament can amend the constitution, but the basic structure cannot be changed. So parliament jo hierarchy of courts hai wo nahi badal sakti, par organization, powers, jurisdiction wagera inke sath jo parliament hai ye thoda bahut her fer kar sakegi. Ab aa jaiye appointment of judges. सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ पर जजेस भी होंगे। अब वो जजेस अपॉइंट किस तरीके से किए जाएंगे? द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो भैया प्रेसिडेंट साहब जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज इट डीम्स नेसेसरी। तो चीफ जस्टिस को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो डीम्स नेसेसरी हो, जो सही लगे उसको कंसल्टेशन करके, उससे कंसल्टेशन करके वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। रिसेंटली हमारे नए प्रेसिडेंट ने
हमारे नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट करा है, और फिलहाल हमारे नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस यू यू, इट्स जस्टिस यू यू ललित, राइट। The other judges of the Supreme Court are appointed by the President after consultation with the Chief Justice and such other judges of the Supreme Court. तो बाकी एक तो भैया Supreme Court में आ गए CJI, Chief Justice, और other judges भी तो होंगे ना Supreme Court के अंदर, तो other judges की जो appointment होगी वो Chief Justice से consultation के बाद होगी, और इसको consultation के लिए हम कहते हैं collegium system. The constitution with Chief Justice is obligatory. The consultation with the Chief Justice is obligatory in the case of appointment of judges other than the Chief Justice. तो जब CJI को अपॉइंट करना है तो consultation जो है वो obligatory नहीं है, पर जब other judges को अपॉइंट करने की बारी आएगी तो Chief Justice से consultation की importance बहुत है और ये consultation obligatory है. अब बात आती है कॉलेगम सिस्टम की. कॉलेगम सिस्टम बेसिकली एक टीम होती है, एक नंबर ऑफ जजेस हैं, एक आप कह लीजिए एक पैनल है. जब प्रेसिडेंट ने जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो उसने कंसल्टेशन करनी है इस पैनल के साथ. सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का पैनल बनेगा या हाई कोर्ट के कुछ जजेस होंगे या फिर उस पैनल में कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो कि रिकमेंड करेंगे कि सर इसको आप अपॉइंट करिए सुप्रीम कोर्ट का जज. तो यदि हम इसमें पॉलिटिशियंस डाल देंगे तो क्या बायसनेस नहीं आएगी. तो बेसिकली एक कॉलेगम सिस्टम है और कॉलेगम सिस्टम से अपॉइंटमेंट होती है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज नॉट क्लियर कि कॉलेगम सिस्टम में कॉलेगम बनाया कैसे जाएगा. तो बेसिकली ये कॉलेगम सिस्टम कैसे जन्मा, ये हमारे पास तीन केसेस आए थे जिसको हम प्यार से कहते हैं फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और द थर्ड जजेस केस 1982 में, 1993 में और 1998 में. तो पहला जजेस केस जो आया था उसमें बोला गया था जो कंसल्टेशन है, जो प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाई कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भैया आपको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी चीफ जस्टिस के साथ बिफोर अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो वो कंसल्टेशन भैया क्या ऑब्लिगेटरी है? क्या आपने जो कंसल्टेशन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने या चीफ जस्टिस ने आपको ओपिनियन दिया क्या वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा? तो फर्स्ट जजेस केस में ये बोला गया कि भैया वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा. तो इसके बाद सेकेंड जजेस केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को, फर्स्ट जजेस केस की जजमेंट को ओवरराइड किया, ओवररूल किया और बोला कि भैया चीफ जस्टिस के साथ जो आपने कंसल्टेशन की वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगी और चीफ जस्टिस जो आपको एडवाइस देंगे, जो रिकमेंडेशंस देंगे वो दो सीनियर मोस्ट जजेस से बात करने के बाद, चर्चा करने के बाद फिर देंगे. और इस केस में ये भी डिसाइड करा गया था कि भैया जो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे वो अपनी मनमर्जी से नहीं करेंगे, वो आप करेंगे द सीनियर मोस्ट जज, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनको आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देंगे. अब आया भैया थर्ड जजेस केस, इसमें बताया गया कि कॉलेगम में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, जो रिकमेंडेशन देंगे वो बाइंडिंग तो होंगी, वो तो हमने बोल दिया था, पर इसमें जो एडवाइस होगा वो कंसल्टेशन होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फोर नंबर ऑफ जजेस, फोर सुप्रीम कोर्ट जजेस. देन नेक्स्ट इज योर क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस. अब जो जजेस बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनेंगे इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he should have been judge of a high court for 5 years or he should have been an advocate of a high court for 10 years. ya to bhaiya sabse pehle wo citizen of india hone chahiye ya fir 5 saal ke liye wo kisi high court mein judge ho ya fir 10 saal tak kisi bhi high court mein wo vakil bataur vakil jo hai practice karte ho. he should be distinguished jurist in the opinion of the president.
या फिर वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब इनकी ओथ किस तरीके से ली जाएगी? इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। तो जो ओथ है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। एंड व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द जज? ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 इयर्स। सो द एज रिटायरमेंट एज इज 65 ईयर। Any question pertaining to his age will be determined by such authority as decided by the president. He can resign his office by writing to the president. So, a resignation. Resign करना है तो भैया किसको देंगे? President को. Appoint किसने करा था? President ने. और resign करेंगे वो भी president को. He can be removed from his office by the president on the recommendations of the parliament. तो भैया अपॉइंट करा था प्रेसिडेंट ने, रिजाइन भी देंगे प्रेसिडेंट को, और इनको निकाल भी कौन सकता है? वो भी प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट कब निकालेंगे? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब आइए भैया सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस। These are determined by the parliament. तो पार्लियामेंट डिटरमिन करेगी कि इनकी सैलरीज इमोलुमेंट्स क्या होंगे। और सैलरीज इमोलुमेंट्स जो भी जजेस को दिए जाएंगे ये उनके सर्विस के दौरान ये डिसएडवांटेज के लिए, उनको डिसएडवांटेज देने के लिए कम नहीं करे जाएंगे। पर इसकी एक एक्सेप्शन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान, जब नेशन फाइनेंशियल इमरजेंसी से गुजर रहा है तब इनकी सैलरी अलाउंसेस जो है वो डिमनिश करी जा सकती है, डिमनिश कर दी जा सकती है, राइट? अब आइए भैया एक्टिव चीफ, एक्टिंग चीफ जस्टिस पे। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन एक्टिव एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकम्स वेकेंट। तब अब वेकेंट कैसे होगा? या तो भैया वो रिटायर हो गए, या तो वो रिटायर हो गए, या उनको रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने, या तो उनको रिमूव कर दिया गया। इन तीन कारणों से वो जो ऑफिस है वेकेंट हो जाएगा। तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो नए चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टेम्परेरी एब्सेंट। अब दूसरी बात किस तरीके से वेकेंट कर सकते हैं? टेम्परेरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो मान लीजिए अगर कुछ कारण से बीमार हो गए हैं या कुछ कारण से काम करने में एबल नहीं है तो वो टेम्परेरली एब्सेंट है अपने ऑफिस से, तब उनकी सीट जो है वेकेंट हो जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिए जा सकते हैं। सीजेआई इज अनएबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। अब आ जाइए सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट माने कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ बैठेगा, कहाँ कहाँ काम करेगा। दिल्ली इज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि दिल्ली इज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की सीट किसी और जगह पर भी, पर इसके लिए प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की, राइट? अब आ जाइए एडहॉक जजेस। हमने एक्टिंग जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करा, इसके अलावा दो तरीके के और जजेस होंगे, एडहॉक जजेस और रिटायर्ड जजेस। अब एडहॉक जजेस क्या होते हैं? वेयर देयर इज अ लैक ऑफ कोरम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट बेंच। तो हाई कोर्ट के जज को टेम्परेरीली या कुछ टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट बेंच में काम करने के लिए अपॉइंट करा जा सकता है। सच अ स्टेप कैन बी टेकन ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। तो जिस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हर एक हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होते हैं। तो भैया हाई कोर्ट के किसी दूसरे जज को एडहॉक जज बना रहे हैं, तो उस हाई कोर्ट के मालिक से तो पूछेंगे ना, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन तो लेंगे ना, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट से भी पूछेंगे कि भैया आपने बाकी जजेस को अपॉइंट करे थे और इन जज को, इस हाई कोर्ट के जज को टेम्परेरीली हम एडहॉक जज बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास कॉरम जो है वो पूरा नहीं है, हमारे पास बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। व्हाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी द न्यूली अपॉइंटेड जज
receives the salary pass under privileges of the judge of the Supreme Court. तो जब एक एडहॉक जज काम करता है तो उसको सैलरीज अलाउंसेस और एमोलुमेंट्स जो हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की सारी चीजें भी मिलेंगी और उनकी प्रिविलेजेस भी जो होंगी वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगे। अब रिटायर्ड जज होते हैं, सीजेआई कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो भैया अब मान लीजिए किसी भी हाई कोर्ट में कोई एक्स्ट्रा जज नहीं है, वहां भी जज फ्री नहीं है कोई, तो रिटायर्ड जजेस जो है उनको दोबारा सेवा लेने के लिए बुलाया जा सकता है। ही कैन टेक द स्टेप आफ्टर गेटिंग कंसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ऑफ द पर्सन टू बी सो अपॉइंटेड। तो इस केस में भैया जो जज है वो तो रिटायर हो चुके हैं, तो उनका वो तो किसी हाई कोर्ट में काम कर नहीं रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई चीफ जस्टिस तो है नहीं, तो इस केस में कंसेंट लिया जाएगा प्रेसिडेंट का और जिस इंसान को अपॉइंट करना है, जिस जज को अपॉइंट करना है उनका खुद का। द अपॉइंटेड पर्सन इन द केस विल रिसीव सच सैलरी एंड अलाउंसेस एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस केस में जो सैलरी और अलाउंसेस इनको मिलेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर नहीं मिलेंगे, इस केस में जो अलाउंसेस होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है डिटरमाइन करेंगे। अब आ जाइए भैया हमारे इंडिया में जो जुडिशरी है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस। इंडिया में नो वन इज सुपीरियर टू जुडिशरी। हमने डिस्कस करा था कि अगर जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल डाल दिया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो किसी भी तरीके से किसी का भी हो, तो जुडिशरी अपना फंक्शन जो है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी is a very important feature of Indian constitution. Security of tenure, once appointed, the judges cannot be removed from the office except by an order of the president, and that too on the ground of proven misbehavior and incapacity. So basically, judiciary ko independent banane wali hamari constitution mein kaun kaun si cheeze hain? It is security of tenure. सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज को अगर अपॉइंट कर दिया जाता है तो ही हैज अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उनको अपनी सीट से नहीं निकाला जाएगा सिवाय दो केसेस के, उनको अपनी सीट से नहीं निकाला जाएगा सिवाय दो केसेस के, एक तो प्रूवन मिसबिहेवियर हो या फिर इनकैपेसिटी हो, तो इन दो केसेस में उनको जो है निकाला जा सकता। That is also the worst case scenario, right? The salaries and allowances of the judges are fixed and are not subject to vote by the legislature. So, इनके जो salaries और allowances होते हैं, those are fixed. इनको vote करके जो legislature द्वारा vote करके वो decide नहीं किया जाता. Power and jurisdiction of the Supreme Court जो है, Parliament can only add to the power and jurisdiction of the Supreme Court. But cannot curtail them. The power of the Supreme Court is the basic feature of Indian Constitution. हमने डिस्कस करा था जुडिशियल रिव्यू का पार जो है एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग द केशवानंद भारती केस, और उसके बाद हमने जो डिस्कस करा था कि शेड्यूल में जो लॉ डाल दिए जाते थे हमारे नाइन्थ शेड्यूल में, हमारे लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड जो लॉ डाल दिए जाते थे, तो किसी भी लॉ को जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने के लिए उस लॉ को उस पर्टिकुलर शेड्यूल में डाल दो। तो भैया हमारा जुडिशियल रिव्यू का जो फंक्शन है, हमारा जुडिशियल रिव्यू की जो पार है सुप्रीम कोर्ट की, इट इज द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट। No discussion in the legislature of the state with respect to the conduct of the any judge of Supreme Court or of High Court in the discharge of his duties. So duties discharge करते हुए Supreme Court और High Court के judges किसी भी तरीके से act करें, इसकी हमारी state legislature या central legislature में बात नहीं होगी। Both the Supreme Court and the High Court have the power to punish any person for their contempt. तो सुप्रीम कोर्ट एंड दी हाई कोर्ट्स आर गिवन द पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवहेलना करना या कोर्ट का अपमान करना।
तो अगर कोर्ट की कोई अवहेलना करता है, कोर्ट के ऑर्डर का कोई निरादर करता है, तो उसका पनिशमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे सकते हैं। अब बात आएगी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही पूछ लिया जाएगा, तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है आर्टिकल 32 के साथ। आर्टिकल 32 तो आएगा ही आएगा, इसका पार्ट और पार्सल बनेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो बहुत बड़ी है, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक क्वेश्चन अभी कवर हो रहा है। द स्कोप ऑफ द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड केसेस इज कॉल्ड द जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन बेसिकली है क्या? जुरिस्डिक्शन एक पार है सुप्रीम कोर्ट की कि वो कितनी क्षमता रखता है, क्या एक्सटेंट है, किस तरीके से वो अपनी जो है पार्स को एक्सरसाइज कर पाएगा। व्हाट इज द इंटेंसिटी एंड व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द पावर ऑफ एनी कोर्ट इज इट्स जुरिस्डिक्शन, राइट। द सुप्रीम कोर्ट हैज थ्री टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, नेमली ओरिजिनल, एपेलेट एंड एडवाइजरी। आर्टिकल 32 में इसके अलावा हमने रिट जुरिस्डिक्शन तो पढ़ा ही पढ़ा, तो उसको भी हम दोबारा से इसमें कवर करेंगे। अभी सबसे पहले आएंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे। देयर आर सर्टेन केसेस व्हिच फॉल विद इन द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट मींस दैट ऑल सच केसेस बिगिन और ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली इफ ओनली इट ओनली मींस दैट सच केसेस कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन एनी अदर कोर्ट। द केसेस इन द डिस्प्यूट्स दैट कम अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर गिवन बिलो। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसी भी कोर्ट की वो वाली जुरिस्डिक्शन होती है, यानी कि आप कोर्ट में जो केस है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके दायर करेंगे, ओरिजिनली वो केस यहां शुरू होगा, तो ये होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है जब मान लीजिए आपने किसी दूसरे लोअर कोर्ट में केस फाइल करा, उसने कोई फैसला करा एंड यू आर एग्रीव्ड बाय दैट फैसला, और आप उसकी अपील करके दूसरी अपर कोर्ट में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी बच्चे की अपने घर में अपने भाई से लड़ाई हो जाए, तो सबसे पहले वो अपने भाई से जो बड़ा होगा उससे बात करेगा, तो भैया उन्होंने जो फैसला किया उसको पसंद नहीं आया, ही विल गो टू द मदर। तो उन्होंने जो फैसला किया उसको पसंद नहीं आया, ही विल गो टू द फादर, देन आफ्टर ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसी तरीके से हायरार्की चलेगी, लोअर जुरिस्डिक्शन को सबसे पहले अप्रोच करा जाता है और उसके ऊपर एपेलेट जुरिस्डिक्शन चलती रहती है। पर सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कुछ केसेस में है, वो कौन कौन से केसेस हैं? डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दी वन साइड एंड वन और मोर ऑफ दी स्टेट्स ऑन दी अदर साइड। किसी भी एक स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हो जाए, ये किन्हीं स्टेट्स का, नंबर ऑफ स्टेट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली ये डिस्प्यूट रेफर किया जा सकता है। डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर ऑफ द स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर ऑफ स्टेट्स ऑन द अदर साइड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ स्टेट्स एक साइड पर और बाकी की स्टेट्स अदर साइड। डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर ऑफ द स्टेट्स, दो स्टेट्स का आपस में झगड़ा हो जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। हाउ एवर द जुरिस्डिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग सिचुएशंस, पर ये जुरिस्डिक्शन जो है इन केसेस में नहीं होगी। अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोविनेंट, एंगेजमेंट, सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट एटसेट्रा which specifically provides for that the jurisdiction does not extend to such dispute। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्प्यूट होंगे किसी एग्रीमेंट या किसी भी चीज से लेके, दस्तावेज से लेके, तो वो नहीं आएंगे। उसके बाद कोई डिस्प्यूट ऐसा है, कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसने पहले ही बता दिया कि भैया अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो है वो नहीं होंगे। मैटर्स रेफर्ड टू टू दी फाइनेंस कमीशन, एडजस्ट
एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, वो डिस्प्यूट नहीं आएंगे। ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ द कमर्शियल नेचर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, कमर्शियल नेचर डिस्प्यूट जो सेंटर और स्टेट में है ये नहीं आएंगे। रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, अगर किसी स्टेट ने सेंटर से डैमेजेस रिकवर करने हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके बाद हमने आर्टिकल 32 में रिट ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा, रिट ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा था और वो सारी सुप्रीम कोर्ट के रिलेशन में। सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्शियोरारी टू एनफोर्स देम। अगर अभी तक आपने रिट्स वाला लेक्चर नहीं देखा है, यू कैन गेट द एंटायर डिटेल वेरी क्लियरली ऑन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द एग्रीव्ड सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एंड नॉट एज अ वे ऑफ अपील। तो वो जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन है। दिस इज द रिट ज्यूरिसडिक्शन। However, the jurisdiction is not exclusive to the Supreme Court since the Constitution empowers the High Court to also issue writs. तो ये exclusive power Supreme Court का नहीं है, High Courts को भी power दी गई है writs issue करने के लिए। Also, the writ jurisdiction of the Supreme Court is narrower than the High Court since the High Court can issue writs even for the enforcement of legal rights, while the Supreme Court can only issue them when an individual fundamental right has been violated. So, High Court or Supreme Court ke writ jurisdiction mein difference ye hai ki High Court legal rights ke liye bhi writ issue kar sakta hai, par Supreme Court keval fundamental rights ka infringement ho, tabhi writ issue karega. अब उसके बाद आ जाइए एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन मैंने आपको बताया वो वाली ज्यूरिसडिक्शन है जब लोअर कोर्ट की अपील हायर कोर्ट में डाली जाती है। अब अपील किस किस तरीके से आएगी? अपील आएगी या तो सिविल केसेस से या क्रिमिनल केसेस से। डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस एटसेट्रा आर कॉल्ड सिविल केसेस। सिविल केसेस वो वाले होते हैं जो दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो और वो मात्र दो लोगों के बीच का ही डिस्प्यूट हो, दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो और वो मात्र दो लोगों के बीच का ही डिस्प्यूट हो। अब दो लोगों से मेरा तात्पर्य दो पक्ष है। दो पक्ष यानी कि मान लीजिए हो सकता है अ सोसाइटी ऑन द वन साइड एंड अनदर सोसाइटी ऑन द अदर साइड। The third person has nothing to do with that dispute. ये cases होते हैं civil nature. For example, property के relation में हो, marriage के relation में हो, money के relation में हो, contract के relation में हो या फिर service के relation में। If the civil case involves a substantial point of law of public importance needing interpretation of the constitution or law, और अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन कैन बी मेड बाय दिस टू द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर किसी लॉ पॉइंट के ऊपर उसका इंटरप्रिटेशन इज इन क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है दायर करी जा सकती है। अर्लियर द फाइनेंशियल लिमिट ऑफ सच सिविल केसेस वाज रुपीज 20,000 बट नाउ अकॉर्डिंग टू द 30th अमेंडमेंट ऑफ 1972, there is no minimum amount for taking a civil appeal in Supreme Court. If तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने के लिए देयर इज नो मिनिमम अमाउंट। अपील इन क्रिमिनल केसेस, अपील इन क्रिमिनल केसेस वो होते हैं जो सिविल नेचर के नहीं है। तो अगर कोई एक इंसान सोसाइटी के खिलाफ कुछ गलत करता है और एक क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया जाएगा। तो भैया क्रिमिनल केस जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में चलेंगे, उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट से,
हाई कोर्ट ने कोई अगर फैसला कर दिया तो उसकी अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्टली हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से अगर किसी ने किसी अगर किसी इंसान को लोअर कोर्ट में बरी कर दिया गया, हाई कोर्ट ने उस केस में उठा के उस इंसान को जो है डेथ सेंटेंस दे दिया, तो भैया वो इंसान एज अ राइट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। दूसरा केस, हाई कोर्ट ने किसी भी लोअर कोर्ट से केस उठा के अपने सामने ट्रायल चलाया और उसको केस में जो है डेथ पेनल्टी दे दी, एक्यूज को गिल्टी करार कर दिया और उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, तो इस केस में भी वो इंसान भैया सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है एज अ राइट। और बाकी के कोई भी क्रिमिनल केसेस हो उनमें भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर इंसान अपील कर सकता है, पर उस केस में कंसर्न्ड हाई कोर्ट से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि भैया ये केस जो है अपील करने लायक है। तो अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट की पार है कि वो स्पेशल लीव से, स्पेशल परमिशन से उस अपील को सुन सकता है। अब भैया बात आएगी अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की। अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस वो वाले केसेस होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजंस की जो इंटरप्रिटेशन है वो इन क्वेश्चन है। अगर लॉ जो है वो इंटरप्रेट करना इन क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई प्रोविजन इन क्वेश्चन है, तो हाई कोर्ट ने अगर उसके ऊपर कुछ फैसला किया है तो उसकी अपील तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, प्रोवाइडेड कि हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट दे दे कि भैया इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो इन क्वेश्चन है, तो वो तो सर्टिफिकेट लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। अगर भैया हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट की पार है कि वो स्पेशल परमिशन दे सकता है कि इस केस में अपील करी जा सकती है। अब आइए अपील बाय स्पेशल लीव। सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव यानी कि परमिशन टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय द कोर्ट बाय पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री। पूरे हिंदुस्तान में जहां भी कोई भी ट्रिब्यूनल या केस है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, सम ऑफ द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस पार आर। पूरे नेशन में मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के अलावा कोई भी कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल का कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में अपील करी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेकर, राइट। इट इज डिस्क्रिशनरी पावर एंड हेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी होगी कि भैया आपको परमिशन देनी है या नहीं, आप जाके ये नहीं चला सकते हो कि भैया ये तो मेरा अधिकार है अपील करना सुप्रीम कोर्ट में, मेरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन, हमारा अधिकार नहीं है। इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट फाइनल और इंटरलोकेटरी। इंटरलोकेटरी वो वाले ऑर्डर्स होते हैं जो फाइनल जजमेंट आने से पहले दिए जाते हैं, पूरी जजमेंट पूरा फैसला करने से पहले किसी एक इशू के ऊपर फैसला पहले दे दिया गया उसको इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स कहते हैं, या फिर इंटरिम ऑर्डर्स कि फॉर द टाइमिंग जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक के लिए ये ऑर्डर प्रिवेलेंट रहेगा, तो इनकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में करी जा सकती है। It can be related to any matter. It can be granted against any court except the military tribunal. तो military tribunal के अलावा किसी भी court के लिए appeal हो सकती है. Court of record. अब supreme court एक court of record की तरह act करता है. It entails recording the judgments, proceedings and acts of the high court for perpetual memory. तो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की आज तक क्या हुआ भैया, ये केस में क्या हुआ, वो सारा रिकॉर्ड कीपिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में करी जाती है। इट हैज पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन इन द केसेस वेयर कंटेम्प्ट हैज बीन शोन टुवर्ड्स द हाई कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल और एनी अदर कोर्ट इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट अपने या फिर अपने से लोअर कोर्ट्स के कंटेम्प्ट के लिए भी पनिशमेंट दे सकता है।
अब भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या? वेल, द बेसिक आइडिया ऑफ द कंटेम्प्ट लॉ इज टू पनिश दोस हु डू नॉट रेस्पेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट. इन द इंडियन कंटेक्स्ट कंटेम्प्ट इज आल्सो यूज्ड टू पनिश स्पीच दैट लोअर्स द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट एंड इंटरफेयर्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस. तो कोर्ट के डिग्निटी से, कोर्ट के डेकोरम से पंगा लेना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है. कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना करना, कोर्ट का अपमान करना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये दो तरीके का होता है, सिविल और क्रिमिनल. सिविल कंटेम्प्ट होता है विच इज विलफुल डिसऑबिडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट. हमने कोर्ट के ऑर्डर की विलफुल डिसऑबिडियंस करी, या कोर्ट में जाकर हमने बोला था कि भैया हम इस तरीके से करेंगे और हम वैसे एक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं. क्रिमिनल होता है दैट इज रिटन और स्पोकन वर्ड्स और एनी एक्ट दैट स्कैंडलाइजेस द कोर्ट और लोअर्स इट्स अथॉरिटी और प्रेजुडाइजेस और इंटरफेयर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग और इंटरफेयर्स ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. हमारे एक्ट या हमारे वर्ड्स द्वारा हम अगर जस्टिस की प्रणाली के अंदर प्रवेश कर जाएं और उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करें, तो भैया ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा. जुडिशियल रिव्यू, हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है. सुप्रीम कोर्ट देख सकता है कि भैया जो आपने लॉ बनाए, जो आपने लेजिस्लेशन बनाए, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी, क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो लीगल है कि नहीं है. जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू रिव्यू एनी एक्ट और ऑर्डर ऑफ द लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स एंड टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी व्हेन चैलेंज्ड बाय द अफेक्टेड पर्सन्स. The power of judicial review comes from the Constitution of India itself, Article 13, 32, 136, 142 and 147 of the Constitution. Judicial review ki baat karte hain. India has an independent judiciary with extensive jurisdiction over the acts of the legislature and executive. So, independent judiciary, iska dhyan sabke upar hai, iski aankh sabke upar hai. हालांकि स्टेचू ऑफ जस्टिस ने अपनी आंख के ऊपर पट्टी बांधी है, पर इसका ध्यान सभी के ऊपर है. जुडिशियल रिव्यू कैन बी डिफाइंड एज द डॉक्ट्रिन अंडर विच लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस कैन बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द जुडिशियरी. यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस जो हैं वो जुडिशियरी उठाकर देख सकती है कि भैया तुमने सही करा या गलत करा. इट इज जनरली कंसिडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर of independent judiciary. Indira Gandhi versus Raj Narayan ke case mein isko basic structure bataya gaya tha. However, judicial review can be classified into three categories. Categories reviews of the legislative actions, review of the judicial decisions, review of the administrative actions. Ab review kis cheez ka hoga? Legislature ne koi law banaya, bhaiya hum dekh sakte hain ki wo law aapne theek banaya nahi. रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कोई डिसीजन लिया या उसके नीचे वाले किसी भी कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उठा के देख सकता है क्या ये डिसीजन सही लिया था या नहीं. रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शंस हैं उसको भी रिव्यू करा जा सकता है. देयरफॉर इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द जज टू इंश्योर दैट बैलेंस ऑफ पावर इज मेंटेन्ड, protect human rights, fundamental rights and citizens, rights of life and liberty. Judicial review of the legislative actions means the power to ensure that the law passed by the legislature in accordance with the provisions contained in the Constitution and in particular part 3 of the Constitution, principle of the reading down. जुडिशियल रिव्यू की पावर जो लेजिस्लेटिव एक्शंस के लिए है, तो लॉ जो लेजिस्लेचर बनाएगी उसको देखा जा सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है
कि नहीं है. इन केस ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ अ डिसीजन, फॉर इंस्टेंस व्हेन अ स्टैट्यूट इज चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर विदाउट द अथॉरिटी और राइट्स, इट इज फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड वेदर द लॉ वाज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इज वैलिड और नॉट. तो अगर कोई लॉ की वैलिडिटी देखनी है कि लेजिस्लेचर के पास वो अथॉरिटी थी या नहीं थी, किसी पूरे के पूरे लॉ को ही इनवैलिड करार कर दिया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के पास है. जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इन द मैकेनिज्म ऑफ एनफोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज व्हाइल एक्सरसाइजिंग द पास्ट जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशियल एक्शंस कैन बी विजुअलाइज्ड इन द गोलकनाथ केस, बैंक नेशनलाइजेशन केस, प्राइवेट पर्स के एबॉलिशन केस एंड मिनर्वा मिल्स केस. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं उनको भी जुडिशियल रिव्यू इन केसेस में करा गया. As courts have wide powers of judicial review, these powers has to be exercised with great caution and control. ये power तो बहुत ज़्यादा है और इसलिए इस power को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना court की duty है. The limitation of these powers are: it is only permissible to the extent of finding whether the procedure in reaching the decision has been correctly followed but not the decision itself. तो वो जो प्रोसीजर है डिसीजन तक पहुंचने का, उसको देखा जाता है क्या वो प्रोसीजर जो है वो सही था. इसमें ये नहीं देखा जाता क्या डिसीजन सही था, उसको नहीं देखा जाएगा, पर जो प्रोसीजर फॉलो करा गया डिसीजन तक पहुंचने का, सिर्फ उसको रिव्यू करा जाता है. अब आ जाइए जुडिशियल एक्टिविज्म में. इट कैन बी डिफाइंड एज अ फिलॉसफी ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग वेयर बाय जजेस अलाउ देयर पर्सनल व्यूज रिगार्डिंग अ पब्लिक पॉलिसी इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो इस केस में जजेस एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी पर्सनल नॉलेज लगाते हैं कि क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं. अब इसकी पॉजिटिव चीजें भी कुछ हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. सबसे पहले हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे, अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी. तो अगर हम अपनी पर्सनल नॉलेज लगाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो है उसको अपहोल्ड कर पाएंगे. एन इम्पॉर्टेंट केस विच एम्प्लॉयज द कंसेप्ट ऑफ एन इनोवेटिव मैनर वॉज द नार्स फाउंडेशन केस विच यूज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी टू स्ट्राइक डाउन सेक्शन 377 ऑफ द IPC and decriminalize homosexuality. तो constitutional morality का एक best example आपके सामने है. Executive lacks political gumption. तो सबरीमाला judgment जो आई थी उसका example ये हो सकता है. To protect the fundamental rights, triple talaq जो ban करा गया था, अल्ट्रा वायरस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मुस्लिम वुमेन, तो वो आपका एग्जांपल बनेगा. मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन, अ पीपल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट नोटेड दैट द इंडियंस हैड 80% ट्रस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट. तो ये विश्वास, ये श्रद्धा सुप्रीम कोर्ट की बनाए रखना, इसके लिए भी ये जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी है. डीमेरिट्स क्या आएंगे? अनइलेक्टेड बॉडी, जुडिशियरी बीइंग द अनइलेक्टेड बॉडी, डज नॉट एंजॉय द जनरल वेल ऑफ द पीपल. जुडिशियल रेस्ट्रेंट इज मोर एप्ट फॉर सच एन इंस्टीट्यूशन रादर देन डिक्टेशन लेजिस्लेशन. एक्ट बैन ऑन लिक्वर सेल, एग्जाम्पल बैन ऑन लिक्वर सेल ऑन हाईवेज led to backlash as well as spurious means to overcome the dictum. अब मान लीजिए people जो हैं, लोगों की जो will है at general, supreme court एक elected body नहीं है जिसको कि लोगों ने elect करके भेजा हो, तो public opinion at large supreme court जो है, judges जो हैं वो नहीं बना सकते. इसलिए lack of expertise,
अब जुडिशरी में जजेस हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन लॉ, तो लॉ के फील्ड में तो वो एक्सपर्टीज कर सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं, पर पब्लिक ओपिनियन में वो किस तरीके से करेंगे? अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस मैंडेट, जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर एनएक्टिंग लेजिस्लेशन इज नॉट। कोर्ट्स कैन लुक इनटू द वैलिडिटी ऑफ लॉ बट नॉट नेसेसरली मेक द लॉ। लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है, जुडिशरी का काम है देखना क्या लॉ का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। अनअकाउंटेबल पॉलिटिशियंस रिमेन अनअकाउंटेबल टू द पीपल बिकॉज दे डिपेंड अपॉन देम इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इन ऑफिस आफ्टर 5 ईयर्स। तो अनअकाउंटेबिलिटी इस तरीके से आई। जुडिशियल एडवेंटरिज्म, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018, द कोर्ट अमेंडेड द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 बाय अनलिंग सेक्शन 18 व्हिच सेड दैट नो एंटीसिपेटरी बेल विल बी ग्रांटेड टू द पर्संस एक्यूज्ड अंडर दिस एक्ट। तो जुडिशरी ने एक तरीके से फिर से लेजिस्लेचर के दायरे में जाने की कोशिश करी थी। अब कंक्लूड करें तो ईच ऑर्गन ऑफ आर डेमोक्रेसी मस्ट फंक्शन विद इन इट्स ओन स्फेयर एंड मस्ट नॉट टेक ओवर व्हाट इज असाइंड टू द अदर्स। जुडिशियल एक्टिविज्म मस्ट आल्सो फंक्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस बिकॉज द कोर्ट्स आर द ओनली फोरम टू दोस वर्स्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सरसाइजेस एंड द एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस। हेंस लेजिस्लेचर एनेक्टेड बाय द जुडिशरी मस्ट बी इन द रेयर केसेस एंड एज मेंशन अबव। तो जुडिशरी को बेसिकली अपना काम करना चाहिए, लेजिस्लेचर के दायरे में एंटर नहीं होना चाहिए, और उस केस में एंटर होना चाहिए जब बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए। तो अब क्वेश्चंस के केस में मैंने यहां आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, करंट के लिए मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। हाल फिलहाल में ही 10 अगस्त 2022 को हमारे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करा है। ये हमारे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उन्होंने अपना ओथ जो है 27th ऑफ अगस्त 2022 को प्रेसिडेंट द्वारा दिलाया गया राष्ट्रपति भवन में। इनका नाम डॉक्टर उदय उमेश ललित है। द नेम ऑफ द सीजीआई इज यू ललित। तो नेक्स्ट इज व्हाट आर द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द क्वेश्चन दैट माइट बी आस्क्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे कि आपको मालूम है हाईएस्ट अथॉरिटी है, इसकी पावर्स और फंक्शंस जरिस्डिक्शन डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा गार्डियन जो है फंडामेंटल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही है। कैन सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इस केस में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पार है और प्रेसिडेंट के पास जो पार है वो पार्डन का पार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी ऑर्डर करा जाए, कोई भी जजमेंट दिया जाए किसी के खिलाफ, प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर सकते हैं
पर प्रेसिडेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के एक्शंस को रिव्यू कर सकती है। The power of judicial review is over the executive. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव अगर कुछ भी करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्लियामेंट मे बाय लॉ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल और फॉर द क्रिएशन ऑफ सच अ काउंसिल इन अ स्टेट हैविंग नो सच काउंसिल। तो ये क्वेश्चन हमारे पिछले लेक्चर से है। The total number of members in the legislative council of a state having such a council shall not exceed one half of the total number of members in the legislative assembly of that state. So options mein hamare paas only one, only two, both one and two, neither one nor two. Hame maloom hai option A is the correct. Right? Consider the following statements: a bill pending in the legislature of a state shall not lapse by reason of prolongation of the house or houses thereof. A bill pending in the legislative council of a state which has not been passed by the legislative assembly shall not lapse on the resolution of the assembly. So, इस केस में हमारे दोनों के दोनों statements ही correct हैं. So, this was all for today's lecture. हमने questions भी देखे, पिछले lectures के भी हमने क्वेश्चंस देखे। तो आई होप अभी तक आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब क्लैरिटी आ गई होगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाई कोर्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।